आप सभी को मेरा प्रणाम। जिस स्थान पर गंगा उतरी उसका नाम है गंगोत्री। उत्तराखंड राज्य के पर्वतों में स्थित गौमुख ग्लेशियर से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी, सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र कहे जाने वाली गंगा की क्या है कहानी, क्यों गंगा के पानी को अमृत माना जाता है, इस गंगा जल को लेकर वैज्ञानिकों का क्या दृष्टिकोण है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं गंगा मैया की पौराणिक कथा से। ये कथा सतयुग काल की है, जब महान प्रतापी राजा सगर हुआ करते थे। राजा सगर के 60,001 पुत्र थे जो कि बहुत क्रूर प्रवृत्ति के थे। एक दिन महर्षि नारद ने राजा सगर को अश्वमेघ यज्ञ करने को कहा, जिससे उनके पुत्रों को सद्बुद्धि मिल सके। जब यह यज्ञ प्रारंभ हुआ तो इसका प्रभाव देखकर इंद्र घबरा गए और उन्हें लगने लगा अश्वमेघ यज्ञ अगर संपन्न हुआ तो राजा सगर अपने पुत्रों के साथ देवलोक पर आक्रमण न कर दे। इसलिए इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले महान ऋषि कपिल के आश्रम में बांध दिया। जब सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो घोड़े को आश्रम में बंधा देखकर कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे, जिससे कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उनकी क्रोध अग्नि से पूरे 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अपने भाइयों को ढूंढता हुआ राजा सगर का अंतिम पुत्र जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा तो अपने भाइयों की राख देखकर उसे कपिल मुनि से क्षमा याचना की और उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। तब कपिल मुनि ने कहा, तुम्हारे वंश में राजा भागीरथ का जन्म होगा और वो ही माँ गंगा को धरती पर लाएंगे। गंगा जल में तर्पण से तुम्हारे भाइयों को मुक्ति मिलेगी। जब राजा भागीरथ का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा माँ की तपस्या की, जिससे गंगा प्रसन्न होकर धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। परंतु गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि अगर वे सीधे धरती पर आती तो धरती के समस्त स्तरों को चीर कर पाताल में चली जाती और गंगा के वेग को नियंत्रित कर पाना भगवान शिव के अलावा किसी में भी संभव नहीं था। तब भागीरथ ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव ने संपूर्ण गंगा को धरती पर अपनी विशाल जटाओं में उतार लिया। इस तरह भगवान शिव ने अपनी एक जटा को निचोड़कर गंगा माँ को धरती पर उतारा, जिससे मानव जाति को गंगा के प्रचंड रूप की जगह सौम्य रूप प्राप्त हुआ और इस स्थान पर जहाँ गंगा उतरी उसे गंगोत्री कहा जाने लगा। दोस्तों, ये थी माँ गंगा की पौराणिक कथा। अब बात करते हैं वास्तविकता की। हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक गौमुख ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। यह गौमुख गंगोत्री से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यह ग्लेशियर 30 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा है। गौमुख तक का रास्ता काफ़ी कठिन होने के कारण बहुत कम श्रद्धालु यहाँ तक आ पाते हैं। इस गौमुख से निकल कर गंगा 2,510 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगा सागर में जाकर मिलती है। गौमुख से देवप्रयाग तक इसे भागीरथी कहा जाता है। जब देवप्रयाग में भागीरथी से 6 अन्य देव नदियाँ मिलती है तब इन सप्त धाराओं से मिलकर गंगा बनती है। ये 7 नदियाँ भागीरथी, जाह्नवी, भील गंगा, मंदाकिनी, ऋषि गंगा, सरस्वती और अलकनंदा है। चलिए अब आपको बताते हैं गंगा जल को एंटी एजिंग या उम्र बढ़ाने वाला क्यों कहते हैं। पानी की लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज भी हैं, सो आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट। तो अभी मैं इंडिया में आई एम गोइंग टू मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर। अभी हम लोग इसका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट को मैं उसको हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे गंगा को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर आप सरप्राइज करेंगे सब, इट हैज़ गॉट नेगेटिव ORP। ORP मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। और वो क्या करती है? वो हमारे शरीर में एंटी एजिंग, अच्छा मतलब हमको हमारी उम्र को बढ़ाने की क्षमता या हमारी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करने की क्षमता है। ORP अगर नेगेटिव हो यानी कि कम हो तो आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा एक्सपेंड होती है। और जितना ज़्यादा पॉजिटिव ORP में जाएंगे उतना ज़्यादा हम ज़्यादा बूढ़े होंगे। हम लोग वर्क कर रहे हैं कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जी, उसकी ORP बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ अराउंड 400-500+, दे आर एजिंग अस फास्टर। तो चूंकि हम गंगा के किनारे खड़े हैं, अगर मैं पूछूं आपसे कि गंगा की ORP क्या होगी? इट इज़ ऑन द गौमुख में वी फाउंड इट टू बी नेगेटिव।
गौमुख में नेगेटिव है, नेगेटिव है जी। यहाँ पे क्योंकि जैसे जैसे पानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ऐसे उसकी ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव से वो बहुत ज्यादा नेगेटिव था, अब यहाँ पे इट इज नेगेटिव बट नॉट दैट मच। तो आम आदमी को समझने के लिए अगर गंगा का पानी जो जहाँ पे उसका ORP लेवल नेगेटिव है यानी कि गौमुख से नीचे जो पानी अल्कलाइन पानी है वो पिएगा तो बहुत सारी बीमारियों का समाधान हो सकता है, पर ये तो बाकी नदियों में भी होगा। चुनिंदा स्रोत है थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन ऐसा स्रोत जिसमें से लगातार पानी बह रहा है करोड़ों अरबों साल से बह रहा है वो स्रोत यही है। दोस्तों गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नाम का एक जीवाणु होता है जो छोटे छोटे कीटाणु और बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता, इसलिए गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता और हिंदू धर्म के लोग इस पानी को बॉटलों में भरकर घरों में रखते हैं और धार्मिक कार्यों में उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं गंगोत्री मंदिर की। जब प्राचीन काल में यहाँ पर मंदिर नहीं था उस समय में सेमवाल के पुजारियों द्वारा गंगा धारा की पूजा की जाती थी। तत्पश्चात गुरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद 20वीं सदी में जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने इनका जीर्णोद्धार करवाया। दोस्तों यमुनोत्री की तरह गंगोत्री के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं और दीपावली के दिन बंद हो जाते हैं। 6 महीने जब गंगोत्री के कपाट बंद रहते हैं उस समय माँ गंगा की पूजा यहाँ से 18 किलोमीटर दूर मुखबा नाम के गांव में की जाती है। उम्मीद है आपको संतोषजनक जानकारी गंगोत्री मंदिर के बारे में हम दे पाए हैं। अगले वीडियो में हम आपको गंगोत्री की यात्रा पर लेकर चलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ गंगा लिखना न भूलिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।